नीट फिजिक्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात, नीट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें 40-60% क्वेश्चंस में रेशियो परसेंटेज चेंज डायरेक्ट पूछ लेते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, एरिया अंडर द कर्व, स्लोप ऑफ ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। आप 11th में है, 12th में या ड्रॉप कर रहे हैं, फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो कंसेप्ट समझने में जितना एफर्ट्स लगाते हैं, जान लगाते हैं, उतना ही जान आप इन बेसिक मैथमेटिकल टूल को समझने में लगाइए। इसके बिना आप कितना भी कंसेप्ट सीख लेंगे, नीट में क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर टू, नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लैंग्वेज बहुत लेंदी होते हैं, 6-7 लाइन का सवाल होता है लेकिन सॉल्यूशन 1 या 2 लाइन का होता है। तो आपको कंसेप्ट सीखने के साथ साथ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नीट फिजिक्स सिर्फ कंसेप्ट का गेम नहीं है, नीट फिजिक्स कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल स्ट्रांग होना चाहिए और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होना चाहिए।